हमारा एक्सपेरिमेंट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, डिज़ाइन ऑफ 3 लाइन टू 8 लाइन, इट मीन्स 3 इंटू 8 डिकोडर एंड वेरिफिकेशन ऑफ इट्स ऑपरेशन। इसमें जो हमें एपरेटस की आवश्यकता पड़ेगी वो है ब्रेडबोर्ड, पावर सप्लाई, 3 इंटू 8 डिकोडर आईसी 74138, हुकअप वायर्स, कनेक्टिंग प्रोब्स, एलईडी इंडिकेटर एंड डिजिटल ट्रेनर किट आदि हमें ज़रूरत पड़ेगी। थ्योरी में हमारा जो आईसी 74138 है वो एक 3 इंटू 8 लाइन डिकोडर है। इसमें 3 इनपुट्स ए बी सी हैं, 3 बिट इनपुट की बाइनरी वैल्यू आउटपुट लाइन हमारी जो है वो वाई नॉट से लेके वाई सेवन तक रहेंगी, उनको सिलेक्ट कर देते हैं। स्ट्रोक जो पिन्स हैं हमारी, जैसे आईसी के पिन डायग्राम में दिखाया गया है, G1 और G2 को, G1 को हमने हाई रखा है, G2 एंड G3 को हम लो रखेंगे। तो यहाँ मैंने नीचे आईसी 74138 का पिन डायग्राम दिखाया है, तो इस पिन डायग्राम के अकॉर्डिंग ही हम सारे कनेक्शन प्रोवाइड कराएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक 16 पिन की आईसी है। यहाँ इसके ये 3 इनपुट्स हैं ए बी और सी, क्योंकि हमारा 3 इंटू 8 डिकोडर है। ये 3 इसके इनेबल प्रोब्स हैं G1, G2 एंड G3, जिसमें हमें वेरिफिकेशन करने के लिए G1 को हाई तथा G2 और G3 को लो रखना होगा। 7 हमारा पिन जो है वो आउटपुट को दिखा रही है, जो कि हमारा Y87 आउटपुट है। 8 को ग्राउंड करेंगे, पिन नंबर 16 को हम प्लस VCC सप्लाई देंगे। यहाँ पिन नंबर 15 से लेके पिन नंबर 9 तक हमारे Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 आउटपुट्स हैं, और एक आउटपुट जो लास्ट है वो हमारा पिन नंबर 7 पर है। डिकोडर का हमने एक सिंपल ब्लॉक डायग्राम दिखाया है और यहाँ हमने इसका सर्किट डायग्राम दिखाया है। तो 3 इनपुट्स हैं उनकी हमारी कंडीशंस के लिए। यहाँ पर इसको एंड गेट का यूज़ करके सारे आउटपुट्स हमने दिखा दिए हैं। तो वाई नॉट जो होगा वो हमारा ए बार, बी बार, सी बार होगा। सेम इसी तरीके से Y7 जो लास्ट आउटपुट होगा वो हमारा ए बी सी होगा। प्रोसीजर जो रहेगा इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए, तो सबसे पहले हम 74138 आईसी को ब्रेडबोर्ड पर लगाएंगे और जो इसकी पिन 16 है उसको प्लस 5 सप्लाई और 8 को हम ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। फिगर के अनुसार जो हमारे इनपुट्स हैं ए बी सी, उनको पिन नंबर 1, 2, 3 को देंगे और आउटपुट हम वाई नॉट से लेके वाई सेवन, जो पिन नंबर हमारी 7 से लेके 15 तक हैं, उनसे कनेक्ट करेंगे। G1 पिन को, जो कि 6 पिन है, G1 पिन नंबर 6 को हम हाई करेंगे तथा G2 और G3 जो कि पिन नंबर 4 और 5 हैं आईसी की, उनको हम लो लॉजिक से कनेक्ट करेंगे और ट्रुथ टेबल के अनुसार सभी स्टेट के लिए हम आउटपुट को वेरीफाई करेंगे। यहाँ हमने 3 इंटू 8 डिकोडर की ट्रुथ टेबल देख रहे हैं हम। तो जो इनेबल हमारे G1 है उसकी सारी कंडीशन ले रखी हैं और G2 की भी। G2 जो रहेगा वही हम G3 पर भी प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ हमारे इनपुट्स हैं ए बी और सी और आउटपुट हमारे Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7। तो हमारी जो फर्स्ट कंडीशन, अगर G1 कुछ भी हो, आइदर 0 और 1, और G2 को अगर हम हाई ही रखते हैं और इनपुट हमारा कुछ भी हो 0 1, तो सारे आउटपुट हमें हाई मिलेंगे। दूसरी कंडीशन, अगर हम G1 को 0 रखते हैं और G2 को 0 या 1 किसी पे भी रखते हैं और इनपुट हमारे कोई भी वैल्यू हो 1 या 0, तो भी आउटपुट हमारे सारे 1 ही मिलेंगे। नेक्स्ट जो कंडीशन बनती है वो है G1 को यदि हम ऑल कंडीशंस में 1 रखते हैं, हाई पर रखते हैं, G2 और G3 को अगर हम लो पर रखते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेज के लिए हमारे जो आउटपुट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। जैसे कि ए बी और सी यदि 0 0 0 हैं तो वाई नॉट हमें 0 मिलेगा, इट मीन्स LED नहीं जलेगी और बाकी सभी आउटपुट की LED हमें जलती हुई दिखेगी। अदर स्टेट्स के लिए सेम इसी तरीके से हमारे इस तरीके से हमें Y1 एक पर, Y2 पर, Y3 पर, इस तरह से हम अगर पोजीशन चेंज करते जाएंगे तो हर आउटपुट पे हमें कंडीशन अलग प्राप्त होगी। यहाँ हमने ब्रेडबोर्ड पर अपनी डिकोडर आईसी लगा दी है, 3 इंटू 8 डिकोडर आईसी 74138। तो ये 16 पिन की आईसी है, पिन नंबर 1 से लेके 8 यहाँ तक और 9 से लेके 16 तक ये। तो सबसे पहले हम सप्लाई प्रोवाइड करा देंगे। तो आईसी के जो पिन डायग्राम था उसके अकॉर्डिंग हमें सारे कनेक्शन करने हैं। तो पिन नंबर जो हमारी 16 है
उसको हम कनेक्ट कर देंगे प्लस 5 वोल्ट से। ग्राउंड सप्लाई हम कनेक्ट कर देंगे पिन नंबर 8 से। अब हम इनपुट्स दे देते हैं, तो यहाँ पर हमारे डिजिटल इनपुट्स हैं, तो ये हमने इनपुट दे दिए। तो पहला इनपुट हमारा आईसी पिन नंबर 1 पे जा रहा है, दूसरा आउटपुट इनपुट लिया पिन नंबर 2 पर लगा दिया आईसी के, और तीसरा इनपुट लिया, इसको भी हम कनेक्ट कर देंगे पिन नंबर 3 से, जैसा कि हमारी पिन डायग्राम में था। इसके बाद में 1, 2, 3 पिन पे हमारे इनपुट्स हमने दे दिए हैं। अब हमें इनेबल प्रोब्स को कनेक्शन देना है, तो हमारी इनेबल प्रोब्स जो है वो है G1, G2 एंड G3। तो यहाँ से हम इनको इनपुट्स प्रोवाइड करा देंगे। तो पिन नंबर 4 पे हमारा G3 है, पिन नंबर 5 G2 एंड पिन नंबर 6 हमारा G1 है। तो ये हमारे इनपुट्स वाली सारी कंडीशन हो गई, और इनेबल प्रोब्स को भी हमने इनपुट दे दिया है। अब हमें आउटपुट लेने हैं, तो जैसे कि 3x8 डिकोडर है, तो हमारे इसमें 8 आउटपुट्स होंगे। तो जो हमारा वाई नॉट है वो हमें मिलता है पिन नंबर 15 पर। तो हम यहाँ पे डिजिटल आउटपुट्स लेंगे और पिन नंबर्स पे कनेक्ट कर देंगे 15 पर, आउटपुट को पिन नंबर 15 से कनेक्ट किया, दूसरा आउटपुट पिन नंबर 14, तीसरा आउटपुट पिन नंबर 13, नेक्स्ट आउटपुट नेक्स्ट पिन पर लगा देंगे, तो ये हमारे 4 आउटपुट्स। अब ये 5th आउटपुट जा रहा है, ये नेक्स्ट पिन पे लगा देंगे, सिक्स आउटपुट इससे नेक्स्ट पिन पे, सेवन आउटपुट पिन नंबर 9 पर, और लास्ट आउटपुट हमारा पिन नंबर 7 से कनेक्ट है। तो पिन नंबर 7 हमारी नीचे की तरफ है। तो ये हमारे सारे आउटपुट कनेक्ट हो गए। तो वाई नॉट, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री, वाई फोर, वाई फाइव, वाई सिक्स, वाई सेवन तक हमें आउटपुट टोटल 8 मिल गए हैं। अब हमें कनेक्शन के लिए कर दिया है, तो यहाँ हमने ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करने के लिए जो हमने G1 11 है इनेबल है उसे 1 रखा है, इट मीन्स हाई। G2 और G3 को हमने लो रखा है। तो ये तीनों हमारे A, B, C इनपुट्स हैं। अब तीनों इनपुट्स के लिए हम सारे आउटपुट को चेक करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारी ट्रुथ टेबल कहती है, वो कहती है कि अगर तीनों इनपुट्स A, B और C 0-0 हैं, तो Y1 हमें 0 मिलेगा एंड अदर ऑल आउटपुट हमें हाई मिलेंगे, जो कि हमारी वेरीफाई हो रहा है। यदि हमें नेक्स्ट ट्रुथ टेबल की कंडीशन 0-0-1, तो ये 0-0 है हमारे, इसको हम अगर 1 कर देते हैं तो Y2 हमारा लो हो रहा है और अदर आउटपुट्स हमें हाई मिल रहे हैं। थर्ड कंडीशन में हमारा 0-1-0, तो 0 है ये, इसको 1 करेंगे B को और C को अगेन 0 कर देंगे, तो हमें नेक्स्ट LED हमारी आउटपुट हमें 0 मिल रहा है और बाकी सभी हमें हाई मिल रहे हैं। तो ये हमारी कंडीशन हो गई 0-1-0।
जीरो वन जीरो, नेक्स्ट कंडीशन इज जीरो वन वन, तो जीरो ये हमारा है ये वन, एंड सी को भी हमने अगर वन किया तो हमारे नेक्स्ट एलईडी मीन्स नेक्स्ट आउटपुट हमें लो मिल रहा है, बाकी सभी आउटपुट हमें हाई मिल रहे हैं। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है वन जीरो जीरो, इट मीन्स वन जीरो जीरो, तो हमें उससे नेक्स्ट आउटपुट हमारा जीरो मिला, बाकी सभी हमें वन मिले। अगली जो ट्रुथ टेबल की कंडीशन है वो है वन जीरो वन, तो वन जीरो वन, तो हमें आउटपुट चेंज मिल गया अकॉर्डिंग टू ट्रुथ टेबल। लास्ट नेक्स्ट कंडीशन जो है हमारी वन वन जीरो, तो वन वन जीरो, तो हमारे इस तरीके से हमें आउटपुट मिल रहा है जो कि ट्रुथ टेबल को वेरीफाई कर रहा है। लास्ट जो हमारा डिकोडर की ट्रुथ टेबल का आउटपुट है, यदि तीनों हमारे वन वन रहते हैं तो वाई सेवन हमें लो मिलेगा एंड अदर आउटपुट्स हमें ज़ीरो मिलेंगे। अगर हमने किट पर अपने 3x8 डिकोडर की ट्रुथ टेबल को वेरीफाई किया तो हम रिजल्ट में लिख देंगे अपना कि 3x8 डिकोडर को हमने ब्रेडबोर्ड पर डिज़ाइन किया और उसकी ट्रुथ टेबल को सत्यापित किया।